तो बड़ी खबर बता दें, 31 अगस्त 1979 को पब्लिक गैलरी में नारे लगाए गए और 31 अगस्त 1979 को पब्लिक गैलरी में नारे लगाए गए। तो आइए आपको बताते हैं कि कब कब घटनाएं हुई। और तो आपको एक आंकड़ा भी बताते हैं, 31 अगस्त 1979 को पब्लिक गैलरी में नारे लगाए गए। आपको बता दें कि राजकुमार जैन और योगेश्वर नंदगिरी ने नारे लगाए। 6 मार्च 1975 को नारे लगाए गए और पर्चा फेंका गया। उसके बाद 15 मई 1978 को नारे लगाए गए और कागज फेंका गया। ये तारीख आपको बता रहे हैं कि इन तारीखों में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। 16 अगस्त 1978 को पब्लिक गैलरी में नारे लगाए गए। 11 मार्च 1980 को समय 2 बजे था जब लिफलेट फेंका गया था वहां पर। 8 अप्रैल 1983 को 1:50 पर पैम्पलेट फेंका गया। तो ये वो घटनाएं हैं जो संसद में हुई हैं सुरक्षा के चूक मामले में, यानी कि इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। उन घटनाओं का विवरण आपको बता रहे हैं। 9 जनवरी 1991 को 5 बजे पब्लिक गैलरी से लोकसभा की चैम्बर में कूदा। 10 जनवरी 1991 को समय 11:45 था जब पब्लिक गैलरी में लोकसभा के अंदर कूदा। 5 अप्रैल 1994 को 11:20 पर पब्लिक गैलरी लोकसभा में कूदा, युवक और नारे लगाए। 14 अगस्त 1997 को 11:58 पर पब्लिक गैलरी के भीतर नारे लगाए गए। 15 जुलाई 1998 को 2:45 पर विशिष्ट दीर्घा कक्ष में नारे लगाए गए। 17 जुलाई 1998 को 12:55 पर पब्लिक गैलरी में नारे लगाने गए। इसी के साथ ही 31 अगस्त 1979 को पब्लिक गैलरी में नारे लगाए गए। तो ये तिथि आपको बता रहे हैं कि किस तरह से संसद की सुरक्षा में चूक हुई और इस चूक में कई घटनाएं शामिल हैं, जो कि तिथिवार तरीके से आपको बता रहे हैं। 8 अगस्त 1972 का समय जब पब्लिक गैलरी में नारे लगाए गए, पैम्पलेट फेंका गया। 10 मई 1974 को पब्लिक गैलरी में 2 पिस्टल और 1 बम जैसी चीज भी हुई।